दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ ALP लोको पायलट और गार्ड का ड्यूटी कैसे लगता है और वो रनिंग रूम में कैसे जाते हैं, कैसे रहते हैं, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, सारा डिटेल मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को 2 घंटे पहले फ़ोन आता है कि आपका ड्यूटी इतने बजे लग गया है, टाइम बताया जाएगा और कहाँ पे लगा है ये चीज़ भी बताया जाएगा। ये ऑप्शनल है, कभी कभी बताया जाता है, कभी कभी नहीं। तो मेरे को फ़ोन आता है 2 घंटे पहले कि आपका ड्यूटी लग चुका है, आप तैयार होके आ जाइए। तो मैं अपना तैयार होता हूँ और स्टेशन पहुँचता हूँ, वहाँ पर जाके मैं साइन ऑन करता हूँ। साइन ऑन के लिए मैंने एक वीडियो बता रखा है, आप उसको देखिएगा कैसे साइन ऑन करते हैं। साइन ऑन करने का मतलब ये हुआ कि उसमें आप जाके कंप्यूटर पे अपना लॉगिन देंगे, जिसमें आपका अटेंडेंस एक तरीके से होगा, जिसमें आपका पता चल जाएगा कि आप आ चुके हैं। वहाँ पे हम लोग का BA टेस्ट होता है, मतलब हम लोग कोई नशा तो नहीं किए या ऐसा कुछ तो नहीं करके आए हैं। तो इसके बाद हम लोग अपना ड्यूटी का चार्ज लेते हैं। तो इतना होने के बाद हम लोग स्टेशन जाते हैं, स्टेशन में स्टेशन मास्टर से कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं वो लेते हैं, वो लेने के बाद अपना ट्रेन जो भी उसका चार्ज लेके हम लोग अपने डेस्टिनेशन तक चले जाते हैं। तो ये वीडियो है मेरे डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद का। तो देखिए डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद हम लोग जाते हैं स्टेशन मास्टर के पास, वहाँ पे अपना बैग रखते हैं। बैग रखने के बाद जाते हैं लॉबी जाते हैं। लॉबी जाने के बाद वहाँ पे हम लोग साइन ऑफ करते हैं, जैसे साइन ऑन हुआ था वैसे ही साइन ऑफ होगा। साइन ऑफ का प्रोसेस भी सेम ही है, जैसे इसमें भी वही सेम कि इसमें भी BA टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर साइन ऑफ करेंगे हम लोग। ये देखिए हमारा लॉबी है, लॉबी हम लोग जाते हैं, कैसे साइन ऑफ करते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। लॉबी पहुँचते हैं, वहाँ पे हमारे मित्र एक मिलते हैं उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं होता है क्योंकि वो जल्दी में रहते हैं। यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ भीड़ काफ़ी रहता है, तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद साइन ऑफ करेंगे, आइए बैठते हैं। तो वेटिंग हॉल में थोड़ा देर इंतज़ार करने के बाद अभी टाइम नहीं हुआ था साइन ऑफ करने का, तो हम लोग थोड़ा चाय पानी अपना पीते हैं, उसके बाद आते हैं साइन ऑफ करके, वापस अपना सामान लेते हैं स्टेशन मास्टर के पास से और चल लेते हैं रनिंग रूम की ओर। तो रनिंग रूम जो हम लोग का है थोड़ा स्टेशन से दूर रहता है, थोड़ा सा शांति के लिए दूर ही बनाया जाता है ताकि जो ट्रेन का हॉर्न है, बाकी सब साउंड है, वो सब चीज़ें से बचा जाए। देखिए इतने दूरी पर है और ये हमारा स्टेशन। रनिंग रूम में बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं, आइए आज मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा रनिंग रूम, और इसमें जाने के बाद सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि भैया हम लोग यहाँ से जिस भी स्टेशन से आए हैं वो स्टेशन का नाम बताएंगे, कौन सा ट्रेन लेकर आए हैं, ये सब डिटेल बताएंगे, तो वो हम लोग को फिर उसके हिसाब से कोई रूम देंगे जो भी रूम खाली रहे। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा रूम का बोर्ड लगा हुआ है, अभी कोई रूम खाली नहीं था, फिर भैया ने बताया कि एक रूम खाली होगा थोड़ी देर बाद। तो मैं तब तक आप लोग को बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ कि रनिंग रूम में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। ये देखिए गार्डन है आसपास, मतलब सुबह सुबह तो ऐसा लगता है कि आप एकदम गांव में चले गए हैं, बहुत अच्छा एहसास होता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। देखिए इधर रूम है चारों तरफ, फिर हर जगह पे बाथरूम है आपका, इधर किचन एरिया है, किचन में आपको सब चीज़ मिलेगा, वेज नॉनवेज सब चीज़ मिलेगा। कंडीशन एक है कि नॉनवेज खाना है तो आपको बाहर से ले कर आना पड़ेगा, ये लोग बना के दे देंगे। जाते हैं हम किचन की तरफ, तब तक हमारे एक लोको पायलट सर मिलते हैं, उनसे मेरा हाल चाल होता है बहुत ही अच्छे हैं। आते हैं, देखिए जो हमको रूम अलॉट हुआ था उसके पास देखिए रूम खाली हो गया है, तो रूम में जाते हैं और यहाँ पे जो बॉय है वो अपना बेड वेड लगा के देगा। ये रनिंग रूम बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सेपरेट रूम है, ALP के लिए अलग, लोको पायलट के लिए अलग और गार्ड के लिए अलग, तो ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे अच्छा लगता है इस रनिंग रूम पे। तो यहाँ पे अपना बैग वैग रखते हैं, फिर जाते हैं थोड़ा फ्रेश व्रेश होंगे, तब तक हमारा ये बेड लग जाएगा, सब चीज़ बेड रेडी होने के बाद मैं दिखाऊंगा रूम। और देखिए यहाँ पे AC जोड़ा जुगाड़ से लगा हुआ है बीच में, मतलब एक ही रूम में पार्टीशन डाल के AC दोनों साइड कर दिया गया है। और ये हमारा बाथरूम, मैं चला फ्रेश होने भाई। सुबह हो गया था तो ब्रेकफास्ट करना था, मैं टिफ़िन के लिए, मतलब यहाँ पे टिफ़िन बोला जाता है ब्रेकफास्ट को, तो उसका टोकन लेता हूँ और टोकन लेके चल जाता हूँ किचन में। किचन में देखिए क्या मिलता है आज, तो यह है यहाँ पे हम लोग टिफ़िन अपना धुलते हैं क्योंकि भाई टिफ़िन जो लेकर जाते हैं उसको धुलना भी ज़रूरी है, तो वहाँ पे है टिफ़िन धुलने का। इधर नॉनवेज है, इधर वेज है, तो आज हम लोग वेज साइड में खाएंगे क्योंकि सुबह में वेज ही सब लोग खाते हैं, मैं भी वेज ही खाना पसंद करता हूँ। और ये देखिए चाय रखा हुआ है, सबसे पहले चाय लेंगे। यहाँ का कप बहुत यूनिक है, आप देखेंगे साउथ के साइड में जो चाय पीने का स्टाइल है ना, इसी कप में लोग पीते हैं सब लोग। मेरा कप गिर जाता है यार, क्या करूँ। फिर दूसरा कप मैं लिया, चाय लेता हूँ और चला जाता हूँ फिर किचन एरिया में, वहाँ पे मैं थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर मेरा ब्रेकफास्ट आता है। ये देखिए हम लोग का बैठने का जगह है जहाँ पे खाना मिलता है, ये मेरा चाय,
और आज हम लोग को नाश्ते मिलता है इडली और डोसा, प्लेन डोसा मिलता है। और इडली डोसा खा के अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी फूड है। और देखिए ये हमारा नारियल का चटनी, लेकिन नारियल कम, इसमें बादाम और चना डाल के बनाया जाता है। और ये सब्जी भी बनाया। नाश्ता करने के बाद भाई दोपहर में मैं खाना खाता हूँ, खाना खा के मस्त सो जाता हूँ। फिर से रात में देखेंगे, ड्यूटी फिर से लगने वाली है। तो रात में 8 बजे हमको फ़ोन आता है कि आपका ड्यूटी लग चुका है इधर से। तो मैं जाता हूँ फिर से खाने के लिए, टोकन लूँगा और देखता हूँ क्या बना है आज खाने में। रात का खाना मेरे को सादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं रात के लिए ऑमलेट बोलता हूँ कि भाई अब मेरे को ऑमलेट बना के दे दीजिए। तो उसके लिए थोड़ा अलग से टोकन लेना पड़ता है। यहाँ पे जाने के बाद मैं टोकन के लिए इंतज़ार करता हूँ। यहाँ भी मेरे दोस्त लोग हैं जो पहले से आए हुए हैं, वो लोग भी रूम का इंतज़ार कर रहे हैं कि रूम खाली होगा तो मिलेगा। तो मैं मेरे नाम से टोकन कटता है और टोकन का 5 रुपये लगता है भाई, एक टाइम के खाने का 5 रुपये। लेकिन मैं अभी ऑमलेट बनवा रहा हूँ तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है। तो टोटल मेरे को 25 रुपये देना है, और जिसमें 2 अंडे का ऑमलेट और आपका खाना मिलेगा। तो ये देखिए मेरा सादा खाना है और इसमें आज छोला सब चीज़ मिला हुआ है। और उसके बाद मेरा ऑमलेट आ जाता है, खाना खा के हम लोग निकलते हैं। तो पता चलता है कि हम लोग का ड्यूटी आज है, मतलब ट्रेन नहीं आएगा तो हम लोग को वापस अपने हेडक्वार्टर चले जाना है बिना किसी ट्रेन में काम किए ही। तो आइए उसका भी दिखाते हैं कैसे हम लोग जाते हैं। तो हम लोग स्टेशन पहुंचते हैं, स्टेशन पहुंचने के बाद पता चलता है एक ट्रेन आने वाली है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसका भी इंतज़ार कर लेते हैं, क्या करेंगे। फिर थोड़ी देर में मैं तो स्टेशन पे घूमता हूँ, मेरे जो लोको पायलट सर हैं वो अपना मार्केट से सामान वामान कुछ लेकर आते हैं, वापस जाते हैं। हम लोग साइन ऑन करते हैं, साइन ऑन करके प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। तो ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन आने के बाद हम लोग सीट के लिए थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन टीटी सर से बात होने पर फिर हम लोग को सीट दे दिया जाता है। तो चल देते हैं हम लोग भाई, अपना ड्यूटी तो ख़त्म ही हो गया है, लेकिन फिर भी अभी बैठ के जाना है, तो ये भी एक तरीके से ड्यूटी ही है। मैं और मेरे दोस्त चल दिए हैं, और ये सीट मिल गया, कहीं भी सीट मिलने से मतलब है हम लोग को तो वापस आ जाना है। बस बस बैठ गए, सीट मिल गया, मेरे को भी सीट मिल गया साइड लोअर। भाई मेरा फेवरेट सीट है साइड लोअर, आप लोग को भी पसंद होगा शायद। तो यहाँ बैठते हैं और हमारे सामने ही हमारे लोको पायलट सर और गार्ड भी बैठ जाते हैं। तो बस ट्रेन चल देती है थोड़ी देर बाद, और हम लोग वापस अपने हेडक्वार्टर की तरफ निकल देते हैं। और थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाते हैं अपने हेडक्वार्टर। ये हमारे स्टेशन का नेशनल फ्लैग जो लगा हुआ है, तिरंगा सैल्यूट है भाई इस तिरंगे को, आप लोग को भी बहुत पसंद होगा। तो फाइनली हम लोग आ जाते हैं अपने स्टेशन पर, उतरते हैं, और हमारी जो लोको पायलट सर हैं वो बहुत ढेर सारा सामान वान खरीद लिए हैं, पूरा बोरा भर के, देख लीजिए। तो इनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। उसके बाद हम लोग जाते हैं स्टेशन, स्टेशन से लॉबी, लॉबी में जाके साइन ऑफ करते हैं। तो लॉबी में देखते हैं, यहाँ भी बहुत सारे लोग RHQ आ चुके हैं अपने हेडक्वार्टर, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ हमारे दोस्त जो है वो उनसे मिलते हैं, और वापस हम लोग दोनों लोग साथ में चल देते हैं वापस। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।